हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून वैली फूड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं सबकी फेवरेट मेयोनी बनाने जा रही हूँ, और मेयोनी तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है। तो चलिए आज हम बिल्कुल मार्केट जैसी मेयोनी एकदम घर पे ही बनाएंगे। और आपको अगर मेरी मेयोनी की रेसिपी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दोबारा ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम मिक्सिंग बोल में 2/3 कप मिल्क, 1 1/3 कप रिफाइंड ऑयल लेना है। चलिए इसे ग्राइंड करते हैं, हमें पल्सेस में ग्राइंड करना है। हम एक साथ ग्राइंड नहीं करेंगे, तो हमारा ये मेयोनी खराब हो जाएगी। हमें सिर्फ पल्सेस में ग्राइंड करना है। ये अब ये थोड़ा सा मैंने सिर्फ इसको चला के अब थोड़ा रिफाइंड ऑयल अभी फिर डालना है। ये मेरा भी 1 कप है, और फिर हम ग्राइंड करेंगे। ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है, वरना ये जो हमारी मेयोनी है ये फट सकती है। मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, और फिर इसे मैं स्टर कर लूँगी। और ये देखिए मेरा यहाँ पर जो 1 कप था ऑयल का, वो इसमें मैं पूरा ऐड कर चुकी हूँ। और अब फिर इसे थोड़ा सा स्टर करना है, और अब यहाँ पर 1/3 कप ऑयल मैंने और लिया है। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने पहले डाला था, फिर थोड़ा थोड़ा करके लूँगी। और देखिए इस तरह से करने से ये जो मेरी मेयोनी है कितने अच्छे से अब फूल के आ गई है। देखिए मैं अभी आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए, पर अभी हमें इसे, क्योंकि हमारा ऑयल अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, और अभी थोड़ा सा इसमें थिकनेस भी कम है, अभी और हमें इसे थोड़ा ग्राइंड करने की ज़रूरत है। तो जो ऑयल था मैंने बाकी बचा हुआ वो पूरा इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसे सिर्फ 2-3 बार और करेंगे स्टर, 2-3 सेकंड के लिए। 2-3 सेकंड के लिए ही करते हैं, इसे ज़्यादा टाइम के लिए हमें करना नहीं होता ग्राइंड। और ये सिर्फ पल्सेस में ग्राइंड करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और अब हम इसे एक बार स्टर करके देख लेंगे स्पून से कि ये कैसी है इसकी थिकनेस। तो अभी बस लास्ट और मैं स्टर करूँगी, और फिर ये मेरी मेयोनी रेडी है, हो ही चुकी है। फिर मैं एक लास्ट स्टर और दे रही हूँ इसको। अब देखिए इसकी थिकनेस देखिए कितनी, मतलब अब गिर ही नहीं रही है। हमें बस वो देखनी है, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी देखनी है कि स्पून से आराम से ना गिरे, झटके देने पे ही गिरे। या मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूँगी, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया है, क्योंकि हम ये किसी चीज़ में भी डालते हैं तो उसमें भी हमें सॉल्ट डालना होता है। इसके और एक टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विनेगर लिया है, और मेरे यहाँ पर लाइट की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो रखी है, इसे इग्नोर करिएगा। देखिए सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लेना है। और फिर मिक्स करने के बाद मैं अभी इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जिस भी आपको कंटेनर में रखना है उसी कंटेनर में रखिए। और ये अब मेरी मेयोनी रेडी है, देखिए कितनी सारी बनी है। ये 1 कप भी नहीं था, 2/3 कप था, और देखिए बिल्कुल रेडी है बनके। आप अच्छी बने तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ दून वैली फूड। See you soon in the next video. Till then, bye bye.